सर्दियां गई बुलाया थले अंगीठी पाल के रखे कर माशाल्लाह चुक छलियां भुलण वाला हुंदा तू मी यार तू बस कर दे तू उधर तो देख ला लगता है अजय ना आ देख ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं MY के न्यूज़ TV पे मेरा प्रोग्राम वो वाला शो। आज मैंने गेस्ट बुलाए हैं, इन्हें आपने ना TV पे भी कभी हो सकता है देखा हो या फिर कहीं और वैसे चलते फिरते देखा हो, और आपने YouTube पे भी देखा हो, एक चैनल है हसन मुराद YouTube चैनल, वहाँ पर भी मेरे साथ ये मौजूद हैं बड़े से मुँह वाले हसन मुराद और ये जले हुए अयूब मुँह काला। आराम से बात कीजिए, आप तो इतनी स्पीड से जैसे वो सौदा बेचने वाला बस पे नहीं चढ़ जाता पाजी है इमली जी रेवड़िया जे या कटा जे रन 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 वो अगले बारियो टिका देते ने थल्ले कितना बंदा जानदा तुसी अल्लाह माफी इहो जो बंदा ते वैसी बाहर फिरदा तुरदा भी मिल जांदा जिस तरह दी ताडी शख्सियत ने तन्नु किसे दम करन वाले को ले जाना चाहिदा सी ए शेख कासिम साहब ने। अच्छा ए शेख कासिम साहब जी जी जी। अच्छा आपका नाम अयूब मुंह काला क्यों है, लोग की कहते काला नहीं सर जी अयूब मिर्ज़ा नाम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अयूब मिर्ज़ा नाम है। अच्छा आपका तो ठीक काला नाम नहीं है, छेड़ है इनकी। ओके ओके, कई कम्मा चे ना मुंह काला है। यस यस, होता जो राज ना जरा गधा जिस पे से बिठाया जाता था वो छोड़ गया शहद ही, कहता यार मैं थक गया इसे ऊपर बिठा के, ओदे नाल दा आज साडे कोल कोट पा के बैठा है। हां हां हां, यस यस। चलें, इन्होंने तो अपना नाम बता दिया अयूब मिर्ज़ा, तो आपका जो इन्हें ये नाम है हसन मुराद, ये मुंह ये मुराद। अच्छा मुझे ये क्यों लगा था जब आप पैदा हुए थे आपका मुंह देखकर आपके अम्मी अबू ने आपका नाम हसन मुराद रख दिया। उस वक्त दरअसल ना नजर ही मुंह, यार शेख साहब वो मुंह की वजह से नहीं। अच्छा मुराद। अच्छा मुराद, अच्छा ऐसे है, ठीक है मुराद। आपके भी माँ बाप ने कोई मुराद मन्नत माननी होगी लेकिन पूरी नहीं हुई, जितनी भी हुई है खूब हुई। यस यस बिल्कुल, मुराद है बेमुराद है, सिर्फ दो फर्क है जी जी, एक नहर दा एक नाली दा फर्क। जी नहर दा ते जी नाली। यस यस, सारे दुनिया दे लोकी मठियाईयां वंडदे आ, तुहाडी वारी की वंडया है? वो जो छोटी होती है उसके नींद पूरी कर लवी, अल्लाह माफी देवे तेरी ते गल दी समझ नहीं आउंदी यार। नहीं उसको क्या कहता, बताना 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 जे नहीं पता, मुंह ना गल करदा जी, मेरा हाथ ना गल कर रहा है। ए बताना इंजंज वंडी दा इंज बदाना किसी नुक्कड़ च फसाईदा। अच्छा जी एक मुंडा मुझे बताएं, आप जैसों पे ना आवाम को तरस खाना चाहिए तो लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं आप लोगों को? ओ यार तरस खाना, असी यतीम आ, साडे कपड़े पाटे आ, साडा मां प्यो है नहीं, असी सड़क ते फिरन डए फोटो पाते सोने आ यार। क्यों क्यों क्या हो गया? ओ देखो को मन्नी जान दे यार, कैसा यार बात समझ आदमी है, खुदा दी कसम है, शर्ट जे हजी तू पाई है ते अड्डा खड्डा खेडी दा 12 टाणी खेडी दी है, मैं दस दवां यानी कि वो शतरंज टाइप की बात। हां हो खड्डा। अच्छा ये जो आपका ना प्रोग्राम का नाम है वो वाला शो, वो वाला, वो वाला नहीं ये वाला, वो वाला मैं जो जिक्र कर रहा हूँ जी जी, ये वाला जी जी, वो वाला, वो वाला तो इसका एक W है, मैं चाहता हूँ कि 3-4 W होना चाहिए, क्योंकि वो तो ना वो एकदम से आप करते तो 4-5 तो बनते हैं, जगह नहीं थी इतनी। अच्छा जगह नहीं थी। हाँ हाँ, अच्छा चले आपकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। मुंह को दोनों पासे काबले लगे है या किसी ने ज्यादा ही टाइट करते खुलता नहीं, या एक ढिला फौरी हो जाता है, एक फौरी एक कसया जाता है, की रौला है? काबले क्या होते हैं? काबले काबले भी मेरा मतलब कि जिवें बोल्ट कसी दे। अच्छा बोल्ट कसी दे, बांग नहीं होंदी? हां हां होती, जो तुहाडा मुंह कढ के लियांदा है। हां वो बांग होंदी, ओदी जे देख टाइट करी दे। वो तो बांग क्या होती? बांग को जो मुर्गा सुबह-सुबह नहीं देता उसे। हां अच्छा उसको कहते हैं यार। वो नहीं हसन तेनू की हो गया, तू किथे मेनू लैंदा यार, कमाल मेरे नाल होश कर, मैं भी तेरे प्रोग्राम च यार। अच्छा मैं गल करी जा रहा, मेरा भी साफ सुथरी जगह पे आके ना थोड़ी देर टेंपरामेंट हो जाते। चल मैं आपकी तरफ बाद में आता हूं, पहले मैं ना
हसन साहब से बात करूँ। हसन मैंने सुना है, ठीक है, आपका मुंह इतना बड़ा है कि आप मास्क के बजाय कंबल यूज करते हैं, बात ठीक है? कंबल को बांधते हैं मेरे मुंह तक बच्चे सुते होते हैं जिन्होंने सर्दी लगती है वो कंबल ओढ़ लेते हैं, कैसी बातें करते हैं। मास्क मैं भी आम इंसानों की तरह इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। मास्क नहीं, एक गद्दे का मास्क सुहाया है। हाँ। दोनों पासे ऐ करके कुंडे लाए है स्टील दे और ऐ करके इतों कन्ना ते अड़ा लैंदा ते बस रात नूं उहदे नाल ही सौं जांदा, उहनूं हटा के रोटी खा लैंदा, उहदे नाल हटा के पूरे जग च नहीं नहर चों पानी पींदा। मैंने सुना है आपका मुंह इतना बड़ा है कि जो पासपोर्ट साइज तो आपकी तस्वीर होती है उसके ऊपर लिखा होता है क्या बकाया अगले सफ़े पे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे पासपोर्ट का ना थोड़ा साइज बड़ा होता है। वो स्पेशल बनता है। उसके बाद जहाँ मैं रहता हूँ वो भी ग्राउंड में रहता हूँ, जहाँ मैं सोता हूँ वो भी, यानी कि नहर के ऊपर एक चारपाई होती है। बहुत अच्छा करते हैं। बड़ी बड़ी जगह मुझे चाहिए। हाँ, मुंह के अलावा भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने सुने आपका मुंह इतना बड़ा है कि ना आप बारिश में जाते हैं तो आपको छतरी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सुना आपका मुंह इतना बड़ा है कि आपको मुंह छुपाने के लिए केटू का सहारा लेना पड़ता है। केटू पहाड़ का जैसे केटू पहाड़ से तो सिर्फ मेरा कान छुपता है, बाकी मुंह के लिए तो आपको फिर हिमालया भी साथ लाना पड़ेगा, फिर कोकर आक्रम और ये वो सारे पहाड़ों को इकट्ठा कर मन पहाड़ी सिलसिला। अच्छा, अब अयूब मिर्जा की तरफ आते हैं प्लीज। नहीं, आप अकेले ही आए उसकी तरफ। आपके घर आने की बात नहीं कर रहा, आपकी घर जाना भी यार, घर अल्लाह माफी दे, इहो जिहा बंदा ते अगों लंघ जाए ते बंदे दा काम नहीं हुंदा। तू घर आना, उहनां नूं दस ना मैं ते रहिंदा रावी दे पुल थल्ले ते घर किथे आना। सदके दे बोल मैं तेरे नाल आया यार, मेरा ख्याल कर, मैं तेरे नाल आया यार। तेरा ख्याल कर रहा तू की फिंसी है या दर्द करनी है, तेरा की ख्याल कर। अपने ही सानू मारी जांदे ते गैरां नूं की कहना। अच्छा अय्यूब साहब, मैंने सुना आपका रंग इतना काला है, इतना काला है कि आपके ऊपर कोई रंगो रखने वाली क्रीम, कोई चूना या कोई ऐसी चीज कुछ का काम नहीं करती, बात ठीक है? अच्छा, रंग गोरा करने वाली क्रीम है, इसके ऊपर तो तेजाब काम नहीं करता, कोई केमिकल चाहे वो गंधक का हो कुछ भी हो, इसकी जब ये नहाता है ना तो इसको पानी को निचोड़ के खुश्क किया जाता है और वो जरा जो है वो एटम बम में पड़ते हैं। चलो बस कर, कोई बिल्ली आ बड़ी है, तेरे को बच्चा आ गया ना, सारा कुछ तो गिला हो जाना सर दे। प्यार कर दिया ने मावा ऐ करके, मेरा छोना मेरा प्यारा मेरा गगना मेरा गगे ए खुद नक् फट के कर दी मेरे नक्कू मेरे छोना इसी वजह से मेरा नाक लंबा हो, आपने सही कहा है। मैंने सुना अय्यूब साहब का आपका रंग इतना काला, इतना काला है कि आपको ना कोई लाइन खींचने के लिए ना कोई पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती, आप उंगली यूज कर लेते, बात ठीक है? सिर्फ लाइन खींचना, बूट पॉलिश करना से पॉलिश की जरूरत नहीं पैंदी। हां जी, देश की थल्ले काला करना वास्ते कोई कालक की जरूरत नहीं पैंदी। ओ तू ते जराबा छापर चढ़ा के पाउना, तेनू कादी पॉलिश दी लोड़ है? अगर घर दे विच दीवार नु ब्लैक करना होवे ते बस मुंह गिल्ला करके रगड़दा है ना। हां हां, नहीं नहीं, मुंह तो जब पहले छछा के एरिया गल्ला सुनो, मैं घंटा ठहर के आ जाऊंगा। ये तो बोस्की का सूट पा के गर्मियों च निकले ना, 5 मिनट दे पसीने नाल ही मलेशिया दा हो जांदा। अच्छा चले, मैं आपके ना रंग पे नहीं जाता, रंग को छोड़ दे, जो जो भी है जैसा मर्जी जिस मर्जी वजह से है,
दफा करें। तेरी मेहरबानी है कासिम, तेरी मेहरबानी। चले चले, वो मुझे बताएं ये जो ऊपर पे आपने ये सोलर पैनल लगवाया हुआ, ये क्या वजह, ये क्या हुआ, क्या था? देखो बंदा कोई विग लगा लेता है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता है, कुछ कर लेता है, ये ऊपर क्या हो गया? ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी एक पहचान है, मेरी एक जो है ना इंट्रोडक्शन है, पब्लिक फौरी पहचान लेती है। तो ये खेती क्यों बंजर कैसे हुई थी यार? ये करना तू मतलब को पावे जो नली कढ़न लगा, तू की कर लगा, तेनू आ की करना, तू तेनू की प्रॉब्लम है, कोईदा इलाज करा ला, कोई डॉक्टर नहीं मिलता तेनू इस गल दा? सिर ते बड़े फायदे लेते ने बंगाल च जाके, कहंदा कहंदा मैं नवाशी साहब दा बेटा। ओ यस, तू बहुत शरारती है, मैं तेरा हुण अज पता लगा, मैं अगे तेरा प्रोग्राम देखदा सी, हुण मैनू तेनू मैं लाइव देख लिया। चले, आपने तो कोट पहना, आप डिसेंट लगती है, इनको क्यों कोट पहनाया हुआ है, इनकी है शक्ल कोट पहनने वाली? यार मैं धोती बन लेंदा, और मैं नहर पर चला, या मैं मरबे रोटी लेके चला, या मैं हल वाहन लगा, और या मैं किसी जिमीदार का बेटा, या किसी जुम्मेदार का। अच्छा, तू कि गलों के पै गए यार, तू सा को इंटरव्यू लाया, तू सा जाते आ गए यार। मिर्जा साहब अगर संडे को समझा कि यार संडे को भी कोट ना पहने तो किस दिन पहने आप? नहीं नहीं ऐसा हुआ है कभी, जब हाथों जी नाल कबाब लाउन लग पे आज हाथ बारबीक्यू जो घर बना के ना वेड़े च बैठा अपने लगता भी सैचरडे नाइट बैठा है, छड़ते पक्खी छोटी है, एक कबाब में हवा जानी है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, कि सीरियस सवाल, ठीक है, मजाक नहीं करना आपने, ठीक है, मुझे बताया कितना अरसा कोयले की कान में काम करते रहे? मैं तकरीबन, यार ये मजाक नहीं कर रहा, ये तो मेरी जिंदगी का मजाक उड़ा रहा, और मैं कोले की कान च काम करता रहा। हाँ, है हाँ। मेरे सिर से कोला बनया, या मेरे मुंह से मतलब पाउडर पिया कोले का? हाँ हाँ, कमाल के मेरा रंग खूबसूरत है, गंदमी है, कणकी पिना रंग है, इनकी वजह से मिसाल बनी थी कोले की दलाली च मुंह कर। हाँ, तू एडा क्यों सजीदा हो, तेरा कि मुंह अमान है, एडा मेरा हो, मैं जामू अगर किसी बंदे को घोड़े की दगड़ दगड़ ना पसंद हो तो वो घोड़ा कैसे चला सकता है? उसे नहीं पसंद ना, तो वो दगड़ दगड़ के बगैर घोड़ा चलाना, दगड़ दगड़ के बगैर घोड़ा चल कैसे सकता, मुझे ये बताइए। नहीं नहीं आ सकती आजकल ना, लगेगा भी होनी, मतलब जिन्होंने मंडी को टांगा नंगन दे मैं आपको बताऊँ, आजकल ना मैं मेटावर्स आ गया, आजकल ना वर्चुअल रियलिटी आ गई है, वो ऐनक पहन करना, ठीक है, आप वर्चुअल घोड़ा चला सकते हो, उसकी ना ऑडियो बंद कर दो, दगड़ दगड़ बंद हो जाएगी। वो यार कितने ज़हीन हो तुम। यस यस, ये तो पूरी बात है, मगर मेरे जहन में ये सवाल आ गया। जी, हुक्म करें, पूरा नहीं मनाना आपने, ठीक है, गटर बंद हो, ठीक है, गटर कैसे खोला जा सकता है? 2 दिन से मेरा गटर बंद है घर का, 700 रुपया ले बगैर नहीं करता, लेकिन देख मेरी तरीका ही बता दें, सिर्फ सिखा के भेजा कि तू मेरे खिलाफ हो जा यार, मैं कासिम शेख ना गल कर रहे हैं यार, तरीका ही बता दें अगर आपको पता है तो। तुहाडा गटर बंद है, मैं कीता जा रहा हूं, वैसे ये गटर मैकेनिक है, ये गटर के ढक्कन पे हाथ रख के बता देते हैं कि ढक्कन किथे लगा है, कहां लगा, ये भी बता सकते हो कहां लगा? इस चीज को आपने अपने साथ रखा हुआ, मैंने सुना ये आगा माजिद ने आपको दिया थी, ये चीज़ आपने गोद लिया हुआ है बंदा जी ने अपनी गोद छुड़वानी है, ये एक्चुअली ये आगा माजिद साहब का गिफ्ट है, और वो हमारे उस्ताद मोहतरम सलीम अलबिल्ला साहब, ये उनका दिया हुआ गिफ्ट है। तो ये इनको आपने अपने साथ रखा, फ़ायदा क्या होता, कोई फ़ायदा तो बताए इनका? फ़ायदा आपने ना उन्हें भी साथ है रखा हुआ, इसी तरह के शायद इनके भाई हैं, उनका नाम है वो लकी डियर, तो आपने दो दो ऐसी
चीज़ें क्यों रखी हुई? उनको भी इसलिए रखा हुआ है कि मुझे नज़र ना लगे, ये मुझे दुश्मनों की नज़र से बचाता है, वो मुझे अपनों की नज़र से बचाता है, डबल। हाँ ते ए ना दोनों ने तो नजर लग दी नहीं ना, दोनों ने जदों लगेगा ना कीड़ा लगेगा। तो आप मुझे बता, आप लेकिन ये नजर बट्टू है। अच्छा, मुझे बताएं आपका इनके साथ ना 50,000 रुपए वाला क्या मसला है? मैंने आपकी बड़ी वीडियोस में देखा हुआ। तुसी शेख साहब तुसी इस गल नु छड़ दियो यार, विच कासम इस गल च ना मैं तुम दस दवां, ये मेनू जदों मैं मांगदा मेनू नहीं दे रहा, अजे तक मुन्ने ने रुपया नहीं दित्ता। मुझे बताएं इनकी शक्ल देखकर आपको लगता है इनके वो 50,000 होंगे? ये तो जवाब आप देगा दस भाई। बहुत अच्छे घर है मेहमान, इन्हें धड़ तो ज्यादा ना खवार कोई नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा करे ना, 50 रुपया देख कर आप फारी क्यों नहीं करा देते? 50,000 उसमें आपको पता चलेगा ये 50,000 रुपया 5 लाख रुपया मुझसे लेके। जबरदस्त, आपने आज जो रवैया अख्तियार किया ना वो हमारे लिए नहायत नुकसानदेह है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਚੱਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪੁੱਛਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, कुछ लोग होते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं। नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बताएंगे। हाँ, तो इकबाल साहब हमारे मोहतरम हैं, आप जो बात करेंगे हम हाँ, आपको जवाब बिल्कुल ठीक देंगे। आपने उनके साथ किया है काम ठीक जी, है? मैंने 5 साल किया। तो आपने क्यों छोड़ा, क्यों, क्या वजह? बस एक बच्चा, मैं वही सवाल करूंगा कि एक बच्चा जब थोड़ा सा पढ़ जाता है किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में, या वो मतलब तालीम हासिल कर लेता है या वो काम सीख लेता है, फिर आगे भी अपनी हर तरक्की के लिए अपने फायदे के लिए इंसान सफर करता है। तो मैंने भी सफ़र करने की कोशिश की है, वगरना मेरे मोहतरम हैं, मेरे बड़े हमारे कैप्टन ऑफ टीम हैं और साहब मतलब जो है ना शऊर हैं, वो बबर शेर हैं, वो समंदर हैं अपने काम के, अपने काम के कायद हैं। अच्छा, ये तो सफ़र किया था, ये अंग्रेज़ी वाला था या उर्दू वाला सफ़र था? क्या मतलब अंग्रेज़ी वाला था, उर्दू वाला क्यों था? क्योंकि काफ़ी ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र होता है, ये उन्हें बर्दाश्त करना ठीक है, और उर्दू वाला सफ़र होता है उनके साथ जाना। देखें इसको आप अंग्रेज़ी वाला सफ़र कह लें या उर्दू वाला कह लें, हमने दोनों सफ़र किए हैं, सफ़र भी किया है और सफ़र भी किया है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप तो सबको पता है। तो आपके साथ भी वैसी कुत्तों वाली होती थी जितनी बाकियों के साथ होती है? यार कुत्ते फे बेच तू पाले यार, तू केड़ा शिकारी है यार, तू केड़ी बंदूक दो नाली फड़ ली कि तेरे को एक नाली है। आपके ऊपर जुल्म हुआ था कभी? नहीं, मेरे आपको नहीं, वो डांटते नहीं थे कभी? नहीं डांटते थे, काम के हवाले से डांटते थे, लेकिन जब हमें याद आती है उनकी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, मतलब उनसे आए हुए हमें तकरीबन काफ़ी साल हो गए, तो जो ना अभी तक उनके साथ सलाम अलैकुम हेलो हेलो होती है, तो हमारे बड़े मोहसिन हैं। कभी जुल्म नहीं हुआ था, तशद्दुद नहीं हुआ, किसी तरह की बात नहीं होने की कभी। ओके ओके, अच्छा आपको कभी क्यों नहीं उन्होंने लिफ्ट कराई? बस एक दफ़ा मैंने एक महीना उनके साथ खबरनाक प्रोग्राम किया था, वो भी था ही में एक महीने के लिए, वो हनी अलबेला जो हमारा छोटा भाई है उसने मुल्क से बाहर जाना था, वो रिप्लेसमेंट थी उसके लिए, तो एक महीना मेरा इत्तेफाक रहा, चूँकि मैं वहाँ पे मेहमान अदाकार के तौर पे गया था, तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक महीने का उनके साथ। तो उन्होंने दोबारा नहीं आपको कहा कि यार कंटिन्यू कर लो तुम अच्छे हो, या उन्हें नहीं लगा ठीक? नहीं, वो चूँकि रिप्लेसमेंट पर गया था तो फिर वो उतनी ही मेरी कमिटमेंट थी उनके साथ, फिर मैं आ गया, लेकिन जब वो जियो से चले गए दूसरे किसी अदर चैनल पे, तो फिर जियो वालों ने मुझे कॉल किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तभी से मेरा 6-7 साल से वो
प्रोग्राम खबरनाक जियो न्यूज पे कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसा गया कि बस वो बड़ा अच्छा वहाँ पे सारा सिलसिला रहा, तो अब तक वहीं पे। तो फिर इतने लोग ये आफताब के खिलाफ बातें क्यों करते हैं इतने? देखिए हर मिजाज अपना है, हर जहन अपना है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर रास्ता अलग है, हर रास्ता पिंडी को नहीं जाता, हर रास्ता फैसलाबाद को नहीं जाता, हर रास्ता बिहाड़ी को नहीं जाता, ये रास्ते अपने अपने हैं, अपने अपने रास्तों पर सफ़र करना होता है। देखिए हर लोग जो हैं आफताब इकबाल साहब के खिलाफ भी हैं, मतलब ये देखें ये यूट्यूब पर देख लें व्यूवर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी को अच्छा ही अच्छा कहे जा रहे हैं, किसी को बुरा ही बुरा कहे जा रहे हैं, ये जबान है मुँह है, जितने मुँह उतनी बातें, तो मतलब बुरा भी कहे तो सुनना पड़ता है, अच्छा भी कहे तो सुनना पड़ता है, उनके कमेंट्स होते हैं। और वैसे भी ये किसी अच्छा बुरा ना इंसान के खुद अंदर होता है कासिम भाई, चूँकि आपका प्रोग्राम कॉमेडी बेस है ये सारा, तो इसलिए बस ये अंदर की आपकी खुद से है कि आप कितना अच्छा देख रहे हैं या कितना बुरा देख रहे हैं। वो कहता बुरा बुरा लब दे मैनू ना लब या कोई, जरा अपने अंदर चाती मारी थे अपने तो बुरा ना कोई। वाह तो हम तो इस बात के ना ये इस यही वजह है कि ये जो आप शरारतन ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप किसी के बारे में भी करेंगे तो वो पॉजिटिवली ही जवाब दे हुआ होगा, चाहे किसी से दुख हुआ हो खुशी पहुंची हो वो मैटर नहीं करता। तो इस वजह से सब अच्छे हैं, फिक्र इस वक्त ज़रूरत हमें है कि अपनी अपनी तस्दीक करने के लिए, हमेशा ये है ना वो सियाने कहते हैं कि दिल की बात, हर बंदा कहता है मैं दिल की बात मेरे दिल में है, मैं तो दिल की बात करता हूँ, ये भी ऐसे है ये भी ऐसे, वो एक्चुअली दिल की बात नहीं कर रहा होता, वो कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा होता। दिल की बात ये होती है, कभी किसी आपने सुना कि दिल की बात जो है वो कोई भी नहीं करता, वो इस तरह कि क्या कभी दूध में मिलावट करने वाले ने दुकान पे बैठ के आपको कहा है कि भैन दूध ना लेना? नहीं, चूंकि उसके दिल की बात है उसने अंदर रखी हुई है। बाहरों कहता असी कभी दिल दे विच नहीं रखे, मुंह ते गल करने, मिलावट करने वाले ने कभी आपको, चीट करने वाले ने कभी आपको कहा? इसका मतलब है कि दिल की बात ये है कि जो आप छुपा के रखते हैं उसका हुक्म है कि दिल की बात बात को बाहर निकाल दें, सच बोल लें। ये जो है ना ये ऐप जो ही करते हैं आप किसी के ऐप गुनवाते हैं, तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है या उसके पाकों की ज़ात है जो ऐप से पाक है, बाकी तो हम सब खता के पुतले, अपने अपने तरीके से जो भी कोई कर रहा है वो बेहतर कर रहा है और सब बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं। तो दुनिया में अगर कामयाबी अगर है तो दुनिया का सिस्टम ही यही है कि अगले के पाँव गर्दन पर पाँव रखें तो फिर कामयाबी का जीना। यहाँ जो पाकिस्तान में सिस्टम है चूँकि करप्ट माफी के साथ बिल्कुल अजीब सा सिस्टम है, उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पे जो बंदा झूठ नहीं बोलेगा, घर से शुरू होते हैं ना हम लोग अपनी बीवी से अपने बच्चों से झूठ, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। चूँकि कामयाबी के लिए यहाँ ये सब कुछ करना पड़ता है, हक मारना भी पड़ता है, तजलील भी करना, ऐवी को सिरे ना चढ़ जावे दी बिस्ती करो इन्हों जुत्ती दी, ये जागीरदाराना निज़ाम है, आप इस बात को समझते हैं कि जुत्ती दी नोक ते एक दे पढ़ लिख ना जाए इन्हों इज्जत ना दे। लेकिन वो बात मुझे एक याद आ जाती है कि किसी को कहना होता है ना कि यार इसका ख्याल रखना, ये भी ख्याल रखना कि ते अगे ना निकल जाए, हमारे मुल्क में ये है तो कहना पड़ता है। लेकिन आफताब साहब से मैं एक बात जरूर करूंगा ये साफ लफ्जों में कि किले हजार से ही हद से हम बढ़ेंगे नहीं, है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। ये 5 साल का मेरा उनका सफर है, लेकिन मेरे दिल में थी, मैं उनके सामने भी कह सकता हूँ मेरे कैप्टन है। तो ये देखना इनमें कोई गिला शिकवा ये कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं कभी मुनाफे से काम नहीं लेता, मुझे गिला शिकवा होता ही नहीं है। गिला शिकवा वहाँ पैदा होता है जहाँ आप कोई उम्मीद लगा कर लगा लें कि यार मैंने इसे मोहब्बत की, ये मुझे मोहब्बत से जवाब नहीं दे रहा, उम्मीद लगाई ना कि यार मुझे मोहब्बत से जवाब नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी तो बात ही कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहे और मैं कर रहा हूँ, मेरा काम यहाँ से शुरू होता है। पिछली बात का मुझे नहीं पता, मैं गिवन टेक वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मौला का मानने वाला हूँ, ये मैं गिवन गिवन वाला आदमी हूँ, टेक नहीं, टेक तो लेना तो मैंने उससे है। वो मुझे स्वाब की शक्ल में भी नहीं चाहिए, मैंने को जनता या स्वाब, मुझे उसका अजर चाहिए, उसकी रहमत चाहिए, उसके प्यारों की मोहब्बत चाहिए, वो मेरे पास बेपनाह है। मैं समझता हूँ कि मेरा कोई सामने नहीं गया इस मामले में, मैं तो मुझे तवक्को ही नहीं है, तो मैं गिला क्यों करूँ? ये इस वजह से मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये फलां है, ये मुझे नहीं इन बातों का, क्योंकि मुझ पर इन बातों का कोई असर होता ही नहीं। मैं बेइज्जत
बिस्ती प्रूफ आदमी हो। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा जिवें ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਸਤੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਕੋਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਮਾਵੀ ਦੇ। अच्छा अच्छा छावे बवांगे बस। अच्छा एक और सेगमेंट है चल मेरा पुत सेगमेंट चल ठीक है चल हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं जिस तरह का माशाल्लाह से बड़ा समूह है आपका ठीक है टीवी मेरा पुत मेरा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਗੇੜ ਚ ਮੂੰਹ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ 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 आपका जो मुंह है ना ठीक है छोटी स्क्रीन टीवी स्क्रीन फोन की स्क्रीन पे नहीं ये बड़ी स्क्रीन बड़े पर्दे वाला मुंह है ठीक है यानी सिनेमा में आना चाहिए। तो चल मेरा पुत में इतने कॉमेडियन बड़े बड़े थे आपने क्यों नहीं काम किया उसमें। मुझे ज़ाहिर है कि ऑफर नहीं हुई इतफाक नहीं ऐसा हुआ और इस वजह से मैंने नहीं किया। इसमें वो मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन है कैसा ये तो भाई अगर वो मुझे कहते तो मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर करता। कोई और फिल्म का है प्लान आपका कि यार कोई फिल्म कर रहे हैं पाकिस्तानी हो बेशक पंजाबी हो हाँ, जो भी। अभी ये चल मेरा पुतले वाले से मैं बात करूँगा कि मेरे साथ जिस तरह अपना इफ्तिखार ठाकुर साहब है उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने फिल्म करनी है क्योंकि मेरा रबता ही नहीं से है उन लोगों से। नासिर चनौटी साहब है उन्होंने मुझे कहा कि फिल्म करनी है और इसी तरह पिछले दिन अकरम दास कह रहे थे कि मैं खुद एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ और ये जो चल मेरा खुद की टीम इस हवाले से इनका जिक्र करता हूँ तो ये कहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला जब होगा तो ज़रूर करेंगे। देखिए मैं तो खुद ना बड़े जोड़ों में लड़ने वाला पहलवान हूँ मेरा दिल करता है कि बड़े जोड़ों में लड़ा जाए तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो कोशिश करूंगा। यानी कहते हैं कराते नहीं अभी कहा ही अभी उन्होंने अभी कहा है पहले तो मुझे कहा ही नहीं है कहते हैं कराते नहीं है। अब अगर कहा है करा लेंगे तो शुक्र है अल्लाह का नहीं करा लेंगे तो मैं आराम से सुकून से बैठा हूँ तो जरूरी है कि मैं वीजा लगवा के लेना च लगा हुआ है। सही बात कर रहे हैं हसन मुराद साहब सबसे बड़ी बात ये है कि आर्टिस्ट को देखना चाहिए। अच्छा सीरियस नहीं मेरा हासा नहीं रुकना सीरियस नहीं नहीं वो कर रहा है वो देख के यार मैं नहीं गल कर क्या रहे थे नहीं आप ऐसी बात करते अच्छे नहीं ना लग रहे इसलिए ये तो बात मैं ये भी अपने दोस्तों तरह लगन लग जाते हैं। मैं तुम्हें एक गल दस दूं नहीं नहीं ना बताए सब तो बड़ी गल है कि साडे मुल्क दे विच साफ लफ्जा जे फनकार दी कदर नहीं है। इंडिया दे विच चले जाओ साडा जेड़ा समसाया मुल्क है उत्थे चले जाओ ना ते यकीन करो कि आर्टिस्ट नूं एयरपोर्ट तो उहदा जिहड़ा ना स्वागत करना शुरू कर देंदे स्वागत मीन उहदा इस्तकबाल करना शुरू उहनां दी ज़बान च। इत्थे आर्टिस्ट कोलों चल मेरा पुत आ मेरा पुत नस मेरा पुत गल मेरा पुत सुन मेरा पुत खा मेरा पुत नहा मेरा पुत सौ मेरा पुत जाग मेरा पुत ये सब फिल्में ये पाकिस्तान में होनी चाहिए ये बनती हैं। हमारा वो चल मेरा पुत किया लोगों ने नासिर चनौटी ने किया इफ्तिखार ठाकुर ने किया अकरम उदास ने की आगा माजिद ने किया ये बहुत अच्छा किया। हमारे मुल्क के आर्टिस्टों की अक्सरियत हमारे मुल्क पाकिस्तान में थे ना आर्टिस्ट जो वहाँ पे हमसाया मुल्क की फिल्म चल मेरा पुत में काम किया पार्ट वन में पार्ट टू में पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है, है? जी उसमें मैं कोरियर का रोल किया। जबरदस्त फिर क्या चाहिए ये देखे नहीं, नहीं, इन्हें काम मतलब मिल गए यार मैं तेरे को कणक लैन आया चाहिए कि मतलब मैं तेरे को कुछ मांग ले। हाँ सब इसने फिल्म कर ली है देखे तो सही मैंने की है मैंने की है मैं ये नासिर चनौटी साहब ने और आगा माजिद ने मुझसे करवाई है और सैयद नूर साहब की फिल्म को पता नहीं कौन सी है आजकल इन दिनों में शूटिंग जारी है तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया था। तो लेकिन आपके साथ फिल्म स्टार बैठा हुआ है हसन साहब आपको पता ही नहीं। हसन साहब भी फिल्म स्टार है ये मेरे से पहले है फिल्म में कौन सी मैंने कोई अच्छी हीरो की है रोल वो खामोश वाली हाँ नहीं नहीं वो वाली जो मेरे फोन में हिडन में वो वाली। अच्छा पाक ने मेरा फिल्म का शौक मैं फिल्म का ही शौक लेके घर से निकला तो मैंने फिल्म भी की स्टेज भी किया टेलीविजन भी किया लेकिन वो फिल्म का ही शौक था वो मैंने की और उस वक्त की जबकि स्टार्स तो साथ ही हैं अभी जो बाकी इस काम के प्रोफेसर अकेडमी है जिन्हें कहा जाता है और उनसे इनामात भी लिए अवार्ड है मेरे लिए आगा ताले साहब राय साहब और इस तरह बहुत सारे ऐसे फनकार अब इतने पुराने हैं। अरे हाँ जी इन्होंने दरख्त लगे पे होना
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੁਨੇਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਰਖੇ ਤੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰਖੇ ਲੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇਖਿਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇਹ ਹੀਲੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਹੀਲੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਤੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੁਗਤ ਹੁਜਤ ਔਰ ਲੁਗਤ ਜੁਗਤ ਮੀਨ ਹੁਜਤ ਹੁਜਤ ਮੀਨ ਜੁਗਤ ਲੁਗਤ ਮੀਨ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਮੀਨ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਾਤੇਂ ਹੈ ਸਬਕ ਹੈ ਬਣੋਗੇ ਜੋ ਹਮੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਇਨਕੇ ਹੀਲੇ ਸੇ ਹਿਲੇ ਵਸੀਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੀਲਾ 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 ਉਹ ਯਾਰ ਹੀਲਾ 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 ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਂਸਰ ਆ ਯਾਰ ਨਾਚ ਆਏ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਟ ਸੋਫੇ ਚ ਵਾਈਟ ਗੱਦੀ ਸੀ ਹਾਲ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਟ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੋਫਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲੇ ਨੇ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਧਰ ਖਬਰਨਾਕ ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਓ ਯਾਰ ਕਾਦੇ ਵਾਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾ ਜੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਇਨਕਾ ਮਿੰਨੀ ਸਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਚੈਨਲ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਉਧਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਮਤਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਸਾ ਸੇ ਕਮਤਰੀ ਜਾਂ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਹਸਨ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਆਪ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਅਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਨਾ ਸਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੇ ਛੋੜੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੁਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਖਤਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਤੋ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਕੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਸਟ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਬਤਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਵਾਉਣਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਫਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਨੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਕਿ ਖਾਏ ਰਾਏ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਰਸੇ ਆ ਯਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦਾ ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਕਲ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਓਏ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਾਕ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕਿ ਹਾਂ ਓਏ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਹੋਗਾ ਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬ
पता लगा चुकया क्यों नहीं तू डौलिया जे बड़ा तेरा मतलब अल्लाह माफी दे चिड़ा मछी अरगा मुंह मुझे तेरे अरगे मछी मंडी सवेरे सवेरे आया करके ना तू ऐ भी मछियां चुक के कल्ले जान रहे मोढ़िया ते फिर वो है किधर होट किधर है तेरे मैं दसदा जरा तेरे नाल आ जा मैं तू देना नहीं ठीक है आ जा यार ठीक बैठ बैठ फ्रेम आउट हो बैठ 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 शर्म ही नहीं आती यार डॉक्टर ने मना किया ना आपको दिमाग दे डॉक्टर ने मना किया हाँ वो मना किया होगा ना कि इंसानों में नहीं जाना हाँ जी तो क्यों आ गए इंसान तू इंसान तू फरिश्ता वा हाय थैंक यू बड़ा नेक आदमी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको भी मैंने देखा हुआ वो ना चिड़िया घर में आएगा भी नहीं मैं तेरे याद कराना भी नहीं, नहीं, वो आए... एक मिनट नहीं बहना वो एज फैक्टर हो जाता है इस एज में नहीं आता छोड़ दे तू एज फैक्टर ना कह तू ये पाकिस्तान है समझ आई ना सी फैसला बात दे अल्लाह दी रहमत नाल सर्दियां गई बुलायांगीठी पाल के रखे कर माशाल्लाह चुक छलियां बुलाने वाला हुंदा तू मी यार तू बस कर दे तू उधर तो देख ना लगता है देख ना हां देख ना अल्लाह का कुप्पी दे पैर आए तौबा तौबा लगता चिट्ठी चंगा मरगा मुंह देख है देख तो सी रुमाल दा चूहा हुंदा है हां देखो तो सी चूहे दा रुमाल हुंदा है हाय हाय ओ तो देखते सी नाके दा हां देखते सी टुकया है नक फड़ के चपेड़ा मारनी चाहिदी है ओए पार्टियां नासा वाले तू किदा मुंडा है तू मैं तो मजाक कर रहे तू सीरियस हो गया पार्टियां नासा सीरियस मैनु दाखिल करा दे दाखिल करा दे मैं मैनु सब तू दोबारा मैं इथे ले गई मैनु दा मैं तैनू पहली बारी ले आके पछतान दे हैं अच्छा ये मैं बड़ा खुश होने हैं ये मैं चुप के इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।